हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने एक प्रोजेक्टर स्टोर से एक प्रोजेक्टर ऑर्डर किया है जिसका मॉडल नंबर है RD828। उसकी अनबॉक्सिंग आप उस वीडियो में देख इसकी अनबॉक्सिंग आप उस वीडियो में देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं इसका पूरा डिटेल में रिव्यू करूँगा कि कैसा है, क्या इसकी पिक्चर क्वालिटी है। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये फुल HD प्रोजेक्टर है, जैसे कि यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, 1080p रेजोल्यूशन है नेटिव। और एक ये एंड्रॉयड 9 पर वर्क करता है, इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर्स भी है वो, जो कि आप ऐप के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन केस अगर आपका रिमोट कहीं, जैसे कि इसके साथ जो रिमोट आता है वो कहीं खो जाता है, तो और ये मेरा म्यूजिक सिस्टम है, इसके साथ भी मैंने इसको चला के देखा है ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाइस, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें रेड LED जल रही है, मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है, रेड LED जल रही है और अभी स्टैंड बाई टाइम में है। इसमें फीचर्स भी आप स्टैंड बाई में रखना चाहते हो और डायरेक्ट ऑन करना चाहते हो, जो भी है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, मैंने अभी इसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, सिर्फ पावर कोड लगी हुई है। तो और इसमें गाइज एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें वायरलेस माउस कनेक्ट करके भी देखा है, वो भी कनेक्ट होता है। आप माउस के ज़रिए भी इसमें कोई ऐप यूट्यूब वगैरह या किसी पर क्लिक करना है तो वो फंक्शनलिटी भी है। शायद इसमें कीबोर्ड भी वर्क करता हो, वायरलेस मेरे पास है नहीं तो मैं चेक नहीं कर पाया। और बाकी इससे ये भी हम चेक करेंगे, इससे तो काम करता ही है। बाकी रूम आपको बताते हूँ गाइस, ये 10 बाई 12 फीट का रूम है और सामने एक वॉल है, और ये एक सॉकेट है, तो भी वाइट का ही है, ये बाद में दिखेगा नहीं है। सामने जो गाइस कोई पर्दा नहीं है, लेकिन मैं इसी पे टेस्ट करूँगा, इसी पे बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है गाइस फुल HD प्रोजेक्टर की। और आप देख सकते हैं ये कोई प्योर वाइट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा क्रीमी सा है, लेकिन ठीक है। इसकी सामने वाली दीवार की साइज 10 बाई 8 या 10 बाई 10 ही मान सकते हो। और जहाँ तक रोशनी की बात है, आप देख सकते हो एक ट्यूबलाइट ऑन है, फोर सीलिंग की चारों लाइटें ऑन है और एक ये बल्ब भी ऑन है, तो फुल रोशनी है गाइज। तो चलिए इसे ऑन करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है। डायरेक्ट ही ऑन कर लेते हैं, तो ब्लू LED आ गया आप देख सकते हैं, और थोड़ा ये नॉइजी भी है गाइस, लेकिन ठीक है, जब म्यूजिक बजता है तो नॉइज़ का पता नहीं चलता। बाकी आप सामने देख सकते हैं विजडम शेयर नाम से आता है, RD828 की कोई ब्रांडिंग वैसा कोई नेम नहीं आता, विजडम शेयर नाम से आता है। ऑन हो रहा है ये, और ये आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है। वाईफाई भी मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया था, ये अभी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। बाकी फुल लाइट में गाइस आप देख सकते हैं इस तरह का इसका प्रोजेक्शन आता है। तो अब मैं सारी लाइटें बंद करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं एक लाइट वो बंद हो गई, ये भी बंद हो गई, और वो फोर सीलिंग वाले भी बंद कर देता हूँ मैं। हाँ तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने प्योर पूरी तरह से बंद कर दिया है, और अब आप इसकी क्लैरिटी देख सकते हैं, काफ़ी शानदार क्लैरिटी दिख रही है गाइज इंटरफेस में। तो ये इसके कुछ इनबिल्ट एप्स हैं लाइक ब्राउजर, मैक्स एयर, और इन सबको देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले गाइस आइकन है विंडोज शेयर का, अगर आपने कोई करंट कुछ AV केबल लगा रखी है तो उसको दिखाएगा। दूसरा है ये HDMI 1 के लिए, HDMI 2 के लिए, इनविजिबल आर्ट गाइस मुझे पता नहीं है, बाकी देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कुछ वॉलपेपर है गाइस, मे बी स्क्रीन सेवर के लिए होंगे। और बैक करते हैं, और उसके बाद है ब्राउज़र, नॉर्मली जो ब्राउज़र होता है अपने फ़ोन में वैसा ही ब्राउज़र, अगर आपको कोई ऐप वगैरह सर्च करनी है वैसा। दूसरा इसमें मीडिया शेयर, अगर आप इसमें USB वगैरह इंसर्ट करते हो तो आपको इसके अंदर ओपन करना पड़ेगा ये, इसके बाद आपको अपनी फाइल्स वगैरह ढूंढनी होगी, इंटरनल स्टोरेज वगैरह। बैक करते हैं, उसके बाद है गाइस ये मैक्स हब शेयर गाइस, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है गाइस। इसके थ्रू आप इसका स्कैन करके आप, ये आपको एक ब्राउज़र पर ले जाएगा, वहाँ से आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है लेकिन आपको गूगल पर मिल जाएगी। तो उस ऐप में काफ़ी फंक्शन है गाइस, मैंने बाद में देखा उसमें बहुत सारे फंक्शन है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम इसके मीनू के सारे ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन हैं। बैक में चलते हैं,
और लेफ्ट में जब, और ये एक लास्ट इसमें ये नीचे ऐप स्टोर की, इस पर भी क्लिक करते हैं। तो गाइस जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ओपन किया था तो मैंने कोई लॉगिन नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक लॉगिन हुआ हुआ ही था। जैसा कि हम कई बार प्ले स्टोर में करते हैं तो वो आईडी पासवर्ड मांगता है, वैसा कुछ नहीं था। तो ये तो बैक करते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं ज़्यादा। बाकी लेफ्ट में आप गाइस देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। लेफ्ट में गाइस ऐप्स का ऑप्शन है, इसमें प्री इनबिल्ट कुछ ऐप्स हैं, ये भी चला कर देखेंगे हम, यूट्यूब वगैरह। और उसके बाद है नेटवर्क, नेटवर्क में गाइस वायरलेस और वायर नेटवर्क, अगर आपके पास वायर नेटवर्क है इथरनेट केबल है तो उसके थ्रू, लेकिन मैंने अभी वायरलेस से कनेक्ट कर रखा है तो ये अभी कनेक्टेड हो गया सनसाइन, ये मेरा ही है SSID। थर्ड ऑप्शन है मीडिया का, जो मैंने आपको पहले बताया था सेम ही है। उसके बाद है सेटिंग्स, सेटिंग्स में गाइस नेटवर्क सेटिंग्स जो मैंने आपको पहले बताई थी। उसके बाद है प्रोजेक्टर सेटिंग, जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था इसमें मैनुअल की स्टोन कनेक्शन नहीं है, तो इसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छा एडवांस लेवल का की स्टोन कनेक्शन दिया है। जैसे कि ये देखिए साइड्स करेक्ट, अगर साइड पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, अब अगर मैं आप देख पा रहे हैं तो साइड से बड़ा हो रहा है और राइट साइड से आगे की तरफ जा रहा है और लेफ्ट साइड से पीछे आ रहा है, ऐसा कुछ है। ये देखिए, ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आप अपनी प्रोजेक्शन को सेट कर सकते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन है पीछे करते हैं, अगर आप एक और है कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में देखते हैं कैसा है कॉर्नर्स गाइज। ये देखिए इस प्रकार, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज, कई बार दिक्कत आती है तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। और उसके बाद रीसेट, अगर आप वापस रीसेट करना है तो रीसेट अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा। उसके बाद है प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन मेथड, आप इसे उल्टा लगाना चाहते हैं, सेलिंग पर लगाना चाहते हैं, रियर जो भी है। और उसके बाद गाइज आता है जूम फीचर्स, जो अभी ऑफ है उसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसमें कुछ और ऑप्शंस खुलते हैं, जैसे स्केलिंग, स्केलिंग जूम इसको करते हैं। अच्छा तो अभी ये गाइज हॉरिजेंटली हो रहा है, अगर आप स्केलिंग पे ऑन कर देते हो तो फिर ये हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल दोनों साइड से छोटा बड़ा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं कस्टम जूम बंद कर देता हूँ और वापस इसे रीसेट कर देता हूँ। तो ये कुछ एडवांस की स्टोन था, बाकी इसमें कुछ नहीं है। पीछे चलते हैं, उसके बाद टाइम, तो टाइम सेट करते हैं, टाइम जोन, डेट फॉर्मेट 24, और स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, स्लीप टाइमर लगा सकते हैं। और उसके बाद है कॉमन, कॉमन में गाइज लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इनपुट मैटर एंड्रॉयड MPA। इसमें शायद गाइज मैंने चेक नहीं किया, लेकिन वायरलेस माउस काम कर रहा है तो शायद वायरलेस कीबोर्ड भी काम करेगा। वॉलपेपर, आप कौन सा वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं अपनी मेन मेनू में, वो वाला। उसके सॉरी इसके बाद कॉमन में गाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो मैं सारे ऑप्शन बता रहा हूँ इसी वजह से। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सोर्स, अगर आप उस पर डिफ़ॉल्ट ऑफ रखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ऑन होते ये सीधा वी पे कनेक्ट हो, या HDMI 1 पे हो, HDMI 2, वो आप सेट कर सकते हैं, मैं इसे ऑफ रखता हूँ। पावर मोड ये अच्छा है गाइज, आप कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि हम रिमोट से क्लिक ना करें, डायरेक्ट ये ऑन हो जाए, तो ये डायरेक्ट भी ऑन हो जाएगा और स्टैंड बाय में भी रहेगा लाइट आने के बाद, या डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, या लास्ट ये याद रखेगा कि लास्ट टाइम आपने रिमोट से बंद किया था या लाइट से डायरेक्ट बंद हो गया था लाइट कट होने पर, तो वो याद रखेगा। सिस्टम रिकवरी, अगर सिस्टम रिबूट करने के लिए, रीसेट करने के लिए। बाकी इसमें नीचे आधा डिवाइस नेम है, तो कुछ भी करो इसके अलावा। ब्लूटूथ है, नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना ये जो आप देख सकते हैं, दिख रहा नहीं होगा शायद ये लाइट में, ये जो स्पीकर है ये मैंने कनेक्ट किया था, काफ़ी हॉल इफेक्ट आ रहा था इसमें। तो ये इसकी सेटिंग्स है गाइज। और चलिए एक अब इस ऑप्शन का गाइज मैं आपको बताता हूँ, मैक्स है आपका ये बुक, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, मैं तो आपको बताता हूँ। तो इस ऐप को मैं डाउनलोड करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसके क्या फीचर्स हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये वो ऐप है, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। पहले मैंने नियो रीडर्स स्कैन किया था बारकोड, और उसके बाद ये डाउनलोड किया है। चलिए इसे ओपन करते हैं, और इसमें इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है गाइज। ये देखो, ये मेरा फ़ोन सनसाइन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट है, जिससे मेरा
ये प्रोजेक्टर कनेक्ट है और इसमें फ़ोन मिररिंग का ऑप्शन है, कैमरे का ऑप्शन है, वीडियो, म्यूजिक, पिक्चर। और नीचे गाइज ये कुछ कंट्रोल और एक सेकंड कंट्रोल और ये ऐप सेंटर का भी, इसको भी देखते हैं, लेकिन पहले इसे कनेक्ट करते हैं गाइज। या कनेक्ट करने के लिए गाइज पहले आपको ये जो अपना, ये आप देख सकते हैं गाइज ये उस पर स्क्रीन सेवर ऑन हो गया है। कनेक्ट करने के लिए पहले आपको मेनू में जाके आपको मैक्स हब शेयर पे क्लिक करना होगा। अभी ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे टीवी J5 का आ गया, सर्च कर रहा है, हाँ देख सकते हैं। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डिस्कनेक्ट, ये कनेक्ट हो गया है गाइस। यहाँ पे कहीं शो तो नहीं हो रहा लेकिन ये कनेक्ट हो गया है। तो चलिए फ़ोन मिररिंग करके देखते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया गाइस, ये देख सकते हैं मेरा फ़ोन कनेक्ट है। मैं इसमें अगर चलाता हूँ ये देख सकते हैं, तो फ़ोन मिररिंग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद वापस ओपन करते हैं। फ़ोन मिररिंग में गाइस एक ऑप्शन भी है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये 60 फ्रेम फुल HD या 1080p किस रेट पे आप करना चाहते हैं। तो मैं भी फ़ोन मिररिंग बंद कर देता हूँ, बैक चलते हैं। तो वापस ये अपने इस होम पेज पर आ गया है। तो मैं सॉरी, होम पेज पे जाने के लिए मैं क्लिक करता हूँ, हाँ तो ये होम पेज पे, और ये कनेक्टेड है सेट टॉप बॉक्स से। तो दूसरा ऑप्शन है गाइस कैमरे का, कैमरे पे क्लिक करते हैं अलाव पर। तो कैमरे पे क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं जैसे जैसे जहाँ का कैमरा मूव करेगा वैसे वैसे ये आएगा। कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर तो नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर जब आप वीडियो पर क्लिक करते हैं तो आपकी सारी वीडियो दिखा देगा वो, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आप वहाँ देख सकते हैं। दूसरा, म्यूजिक भी सेम है, पिक्चर्स भी सेम है, तीनों कंटेंट जो आपके मोबाइल में है वो प्रोजेक्टर पर शो हो जाएंगे। दूसरा गाइस जो मैं बताना चाह रहा था वो है ये फीचर कंट्रोल। आप देख सकते हैं पूरा जो क्या कहते हैं रिमोट में जो सारे बटन थे वो लगभग सारे इसमें यहीं दे दिए हैं। जैसे कि मैं अब प्लस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आवाज़ ज़्यादा हो रही है, प्लस माइनस बैक के लिए। और ये इस, ये जैसे आप आइकन देख सकते हैं, मैं सेलेक्ट करता हूँ जैसे कि एक सेकंड, ये जैसे हम उस पर करते हैं ये देख सकते हैं गाइस, ये जो सेलेक्ट हो रहा है ये इसी से हो रहा है। और इसके बाद ये होम पे जाने के लिए, ओके करने के लिए सेम है। और ये क्या चीज़ है देखते हैं, अच्छा ये कीपैड के लिए अगर आपको वैसे कुछ सर्च करना हो। और दूसरा गाइस इसमें एक ही माउस का फीचर्स भी है, जैसे भी हम माउस करते हैं तो यहाँ एक ट्रैक पैड सा बन जाता है जैसे अपने लैपटॉप में होता है। तो ये देखिए एक माउस आपको दिख रहा होगा, माउस सा बन जाता है। और ये नीचे प्लस माइनस है। और दूसरा इसमें ऐप सेंटर है गाइस, जो भी एप्स वहाँ हैं आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर YouTube ओपन करना है तो मैं YouTube पर क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी लॉन्च, ये देखो YouTube खुल गया है गाइस, आप देख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये एक अच्छा फीचर है, आप बिना रिमोट के हाथ लगाए अपने मोबाइल से ही सब कुछ कर सकते हैं। हाँ तो आप देख सकते हैं ये भी एक अच्छा फीचर है गाइस, बिना आपको रिमोट को हाथ लगाए आप मतलब मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे गाइस जो मैंने सोचा आपको बता दूँ। इसमें भी ऑप्शन है ऐप मैनेजमेंट नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऐप है गाइस, मैंने तो किसी और प्रोजेक्टर में अभी तक देखा नहीं, तो इसमें दिया है तो अच्छी बात है। और दूसरा गाइस एक जो मैं आपको बताना जा रहा था, इसके अलावा जो माउस को ऐड करके जो मैं आपको बता रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने माउस का जो रिसीवर है वो पीछे लगा दिया है, और ये माउस है। पहले लाइट बंद करता हूँ फिर आपको दिखाई देगा। एक सेकंड, ये माउस है गाइस, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ये देखिए ये माउस से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं किस पे क्लिक करना है क्या है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो अब बात रही है गाइस स्क्रीन क्लैरिटी की, तो ज़बरदस्त क्लैरिटी है गाइस, इतनी लाइट होने के बाद भी देखो ऐसा दिख रहा है। और कॉपीराइट की वजह से मैं आपको म्यूजिक
तो नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखा देता हूँ। एक मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ, कलरफुल सॉन्ग, जिसमें आपको वीडियो क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने एक गाना प्ले किया है, मैं इसकी आवाज़ को म्यूट कर देता हूँ। और ये रिमोट है सामने, ये चल रहा है, तो मैं सारी लाइटें बंद कर देता हूँ। तो हाँ, तो गाइज आप देख सकते हैं ये इसका फुल HD रेजोल्यूशन है, बहुत ही साफ क्वालिटी आ रही है गाइज। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक प्रोजेक्टर यूज़ करें, आपको लगेगा कि सामने की स्क्रीन है। देख सकते हैं इसकी क्लैरिटी बिल्कुल, और मेरा जो स्विच बोर्ड है उसका तो पता भी नहीं चल रहा, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो बीच में स्विच बोर्ड भी आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है गाइज। मैं आपको पास कॉर्नर भी ब्लर नहीं हो रहे, कॉर्नर में आपको दिखा देता हूँ गाइज। ये देखिए कॉर्नर, कॉर्नर भी एकदम शार्प है, नीचे दिखा देता हूँ, एकदम शार्प शार्प क्वालिटी आ रही है गाइज। तो अगर आपको एक शार्प पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो ये आपके लिए एक बेस्ट प्रोजेक्टर हो सकता है गाइज। ये लगभग मैंने मेजर किया गाइज, ये 90 इंच की एक स्क्रीन है जो कि अच्छा रेजोल्यूशन दे रही है। 100 तक आप करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आपको आई होप आपको शायद क्लैरिटी का अंदाज़ा लग गया होगा। मैंने आवाज़ कॉपीराइट की वजह से म्यूट कर रखी है, बाकी मैंने अपने म्यूजिक सिस्टम के साथ इसे यूज़ किया, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड आया गाइज। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। ये गाइज कुछ और वीडियोज हैं जिसके थ्रू आप क्लैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ वीडियोज़ मैंने ऐड किए हैं उसमें, आप देखिए आपको क्लैरिटी का पता लग जाएगा। तो बस मैं ये लाइट ज़रा ऑन कर देता हूँ। तो अगर आपको गाइज ये प्रोजेक्टर अच्छा लगा हो, अगर मेरा ओपिनियन पूछे तो ये बेस्ट प्रोजेक्टर है गाइज। आप प्रोजेक्टर स्टोर से ख़रीद सकते हैं एंड्रॉयड के साथ ही लीजिएगा गाइज, ताकि आपको ये रिमोट वाला फीचर्स भी मिले। तो अगर आपको गाइज ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया गाइज, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो गाइज तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।